आज अपने बच्चे को देख रहे हैं। इतना माँ बाप किसी को कष्ट नहीं हुआ होगा जिनके इतने सारे बालक चले गए और 11 वर्ष के बाद अपने बच्चे को देख रहे हैं। और चूंकि अपनी आंखों से इतने लोगों को विशाल विशाल कंस को मरते देखा तो आज बेटे का भाव खत्म हो गया। दोनों माता पिता पांव छूने जा रहे हैं। कन्हैये ने सोचा है तो उल्टी गंगा बह जाएगी, अरे मैं ही मर्यादा भंग करने वाला बनूंगा। भगवान ने कहा है मेरी माया जरा माता पिता को संभालो, इनको ममता दो, ये मेरे पैर छूने आ रहे। पैर तो मैं छूंगा ना, मैं बालक। बोलो राधे राधे। बेटा चाहे कितना बड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाए, डीएम बन जाए, लेकिन माँ के आगे तो बच्चा ही है। बोलो राधे राधे। सारी दुनिया बेटे को पूज रही है लेकिन वो माँ के चरणों में प्रणति रहेगा, अपना माता चरणों में रखेगा। बोलो राधे राधे। अगर वास्तविक बेटा है, बोलो जय श्री कृष्णा। तो भगवान ने अपनी मोहिनी माया को भेजा, फिर उनको बेटा बेटा करके गले लगाया है। महाराज स्तनों में दूध उतर आया, प्रेम की बहुलता। मैया से कन्हैया ने पूछा भी है द्वारका लीला में कि माँ मैं तेरी क्या इच्छा पूरी करूं, तू तो मेरी भगवत्ता जान गई है। बोले लाला मैं एक ऐसी अभागन माँ हूँ जिसने अपने नवजात शिशु को दूध तक नहीं पिलाया, क्या तू, मैंने सुना है क्योंकि भगवान 64 दिन 64 डेज कहाँ गए थे, उज्जैनपुरी मध्य प्रदेश में शांतिपनी जी के आश्रम में 64 दिन में 64 कलाओं में निपुण हो गए, क्योंकि भगवान तो सर्व कला संपन्न है, है? और गुरुदेव के द्वार में जाकर के विद्या निधि कहो विद्या दीनी, भगवान तो विद्या निधि स्वयं है, गुरु जी ने उनको विद्या दी, विद्या के तो वो धाम ही है। भगवान का एक अनपढ़ अंगूठा छाप भी ऐसी विद्याओं का धनी हो जाता है जिसको कोई नहीं जान सकता। तो भगवान ने गुरुदेव के द्वार पर भी लीला की, बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। एक दो घंटे में काम नहीं होता हमारा, हमने तो गोपाल जी की दया से कुंभ के मेले में 2010 में पहली कथा की थी, गंगा मैया को सुनाई थी, गंगा मैया को हमने यजमान बनाया था। दंडीबाड़ा सेक्टर नंबर 4 वेणी माधव का किनारा, जैसे हमारे यहाँ बांके बिहारी है ऐसे प्रयाग के ठाकुर जी हैं वेणी माधव जी। तो वहाँ एक संत जी ने कहा लाला तुम हमारे यहाँ से शुरुआत करो, बड़ा प्यार दिया, स्नेह मिला, संतों का आशीर्वाद मिला और वहाँ प्रथम कथा हुई। तो फिर दूसरे संत भी आए, भैया थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाल दो। तो 12 से 4 वहाँ कथा, फिर 4 से 8 वहाँ, तो दो दो कथाएं एक साथ 8 घंटे नॉन स्टॉप बोल रहे, बिना विलंब के बिना आराम के। फिर इतने में 2-3 जगह और कथा का प्रचार हो जाता है, वहाँ तो हजारों पंडाल लगते। एक संत जी और बोले भैया 8 से 12 हमारे यहाँ कर दो। मैंने कहा महाराज जी इस शरीर को भी थोड़ा ध्यान रखना है, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम। तो इस भाव 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 में व्यक्ति जो है ना अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर देता है, क्योंकि वो भगवान के भाव में खोया रहता है। इधर भी कन्हैया का गुणगान हो जाए, इधर भी हो जाए। हरे कृष्ण अठारह अक्षोणी सेना जरासंध की मारी। एक बार जरासंध ने क्या किया, भगवान की मजबूरी देखी, भगवान कैसे हार सकते हैं। बोले भैया भगवान के भक्तों को तंग करो तो भगवान हार जाएंगे। 17 बार हार रहा था, नाक रगड़ रहा था, भाग जाता था और भगवान उसे प्राण दान दे रहे थे, क्योंकि भगवान की लीला में लीला है। तो उसने क्या किया, दुष्ट ने, अब जो भगवान के भक्त ब्राह्मण थे माला कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, सबको पकड़ लिया और 18वीं बार अपनी सेना के आगे वो चलो आगे माला करते हुए चलो, देखे कन्हैया कैसे बच में नहीं होता। अब इधर कृष्ण बलराम और इधर वो जरासंध और बीच में उनके भक्त जा रहे प्रभु का भजन करते हुए। कन्हैया के मन में दया लगी, मेरे विप्र हैं, मेरे संत महात्मा इस दुष्ट ने पकड़ के आगे लगाए हैं, दाऊ भैया इस बार तो हमें हारना पड़ेगा।